जुगनू मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आप सीख सकते हैं 9th और 10th क्लास का मैथ। इलम की इस शम्मा को रोशन करने में हमारा साथ दीजिए, हमारी हौसला अफजाई के लिए हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं राव शाहिद जुगनू मैथ की तरफ से 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस। तो स्टूडेंट एक बात जहन में रखें, जैसे आप आम तौर पे नंबरों की फ्रैक्शंस को जो नंबरों के ऑपरेशन में जो आप नंबरों की फ्रैक्शंस पे जो आप ऑपरेशन लगाते हैं, सेम उसी तरीके से हम रैशनल एक्सप्रेशन पे भी वही ऑपरेशन लगा सकते हैं। जैसे आपके पास मज़ीद मैं आपको यानी बताता हूँ, जैसे फ़र्ज़ किया आपके पास दो फ्रैक्शन हैं नंबरों की, उन्हें आप ऐड कैसे करेंगे, तो आप एलसीएम लेते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी दो रैशनल एक्सप्रेशन, अगर आप जैसे दो आपके पास स्टूडेंट ये क्या है आपके पास फ्रैक्शंस हैं, तो इनको आप कैसे सॉल्व करते थे, तो ऑपरेशन ऐड तो एडिशन करनी है, तो आप क्या करते हैं इनका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेकर उसे सॉल्व करते हैं। इसी तरह दो पॉलीनोमियल्स अगर आपके पास आ गई हैं 3x प्लस 2 1x माइनस 4 माइनस 1 ओवर एक्स, या यहाँ पे आपके पास 2x स्क्वायर और इधर बेटा आपके पास x प्लस 5, तो ये दो फ्रैक्शंस हैं आपके पास, उन दोनों फ्रैक्शंस को आप सॉल्व करना चाहते हैं, दो रैशनल फ्रैक्शन हैं, दो रैशनल एक्सप्रेशन हैं, इन्हें आप ऐड करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो आप नंबरों की फ्रैक्शन में ऑपरेशन जो सा बिहेव वहाँ करते थे वही बिहेव यहाँ पर करेंगे। आज हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन पढ़ने जा रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ में पहली जो प्रॉपर्टीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो डियर स्टूडेंट पहली प्रॉपर्टी जो है रैशनल एक्सप्रेशंस की वो क्या है कि आपके पास अगर दो एक एक्सप्रेशन ये है पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स और एक एक्सप्रेशन आपके पास ये है आर एक्स ओवर एस ऑफ एक्स, एक एक्सप्रेशन ये है रैशनल और एक एक्सप्रेशन ये है, मतलब नोमिनेटर में भी आपके पास पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल है, इधर नोमिनेटर में भी आपके पास पॉलिनोमियल है, इधर इसके डिनोमिनेटर में भी, यानी एक अलग एक्सप्रेशन है रैशनल और एक अलग है। दो रैशनल एक्सप्रेशन कब इक्वल होंगी, पहली प्रॉपर्टी ये है। तो डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड इफ का मतलब होता है लाजम मज़ूम, यानी आपके पास डबल आ रहा हो, जो मैं यहाँ रिलेशन लिखने जा रहा हूँ अगर ये है तो वो होगा, अगर वो है तो ये होगा। इफ एंड इफ स्टूडेंट हम इसलिए कहा जाता है कि आपके पास जैसे क्वेश्चन लेके आंसर और आंसर लेके क्वेश्चन दोनों काम होंगे, अगर ये चीज़ दुनिया में है तो ये ज़रूर होगी, अगर ये है तो ये भी ज़रूर होगी। तो इफ़ एंड इफ का वर्ड हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे आपके पास यानी कन्वर्स भी उसका ट्रू होता है, कन्वर्स का मतलब उसका उलट भी ट्रू हो, जैसे सुबह है तो शाम आएगी, शाम है तो सुबह आएगी, तो आप इसे इफ़ एंड इफ का वर्ड यूज़ कह सकते हैं कि वहाँ पे आप यानी लाजम मलजूम जहाँ पर हो दोनों चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंड कर रही हो वहाँ पर आप ये सिंबल यानी ये सिंबल या मैथ में लिखते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़, और इस सारे की शॉर्ट की डियर स्टूडेंट ये है। तो आपको बताने जा रहे हैं कि आपके पास अगर दो रैशनल एक्सप्रेशन है वो दो रैशनल एक्सप्रेशन आपस में इक्वल कब होंगी, इफ़ एंड ओनली इफ़। मैथ कहती है जैसे इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें वो प्रोडक्ट आपको उसमें क्या हो इक्वल हो जाए, यानी पी ऑफ एक्स जैसे फ़र्ज़ करें स्टूडेंट डी स्टूडेंट ये जाके इससे मल्टीपल हो जाए और क्यू ऑफ एक्स जाके किससे मल्टीपल हो जाएगा आर ऑफ एक्स है, आर ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। मैथ कहती है पहली प्रॉपर्टी क्या है कि दो रैशनल एक्सप्रेशन आपस में इक्वल कब होंगी, जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डियर स्टूडेंट आपस में वो भी आंसर क्या दे, सेम दे। और एक बात याद रखें स्टूडेंट इन प्रॉपर्टीज़ में जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रहा हूँ, एक बात याद रखें इन प्रॉपर्टीज़ में आपका जो भी डिनोमेटर होगा गारंटी है वो ज़ीरो नहीं होगा, यानी ये हेयर आप बोलेंगे क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एस ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी इस
एक्सप्रेशन का ये डिनोमेटर ये जीरो नहीं हो सकता, ये जीरो नहीं हो सकता, तभी रैशनल एक्सप्रेशन की डेफिनेशन बेसिकली हमने यही पढ़ी है। तो डियर स्टूडेंट, आपने पहली प्रॉपर्टी क्या पढ़ी कि दो रैशनल एक्सप्रेशन आपस में इक्वल कब होंगे, जब उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी आपस में इक्वल हो। दूसरी प्रॉपर्टी, इसे हम कह सकते हैं, इस प्रॉपर्टी का नाम इक्वालिटी प्रॉपर्टी। इसे आप कह सकते हैं कि ये क्या है, इक्वालिटी प्रॉपर्टी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने लिख भी दिया इक्वालिटी। अब दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर आपके पास एक ये एक्सप्रेशन है पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, रैशनल एक्सप्रेशन है, तो डियर स्टूडेंट अगर यहां पर आपके पास एक नंबर यानी ऊपर वाली पॉलिनोमियल से भी मल्टीपल हो रहा है और एक नंबर नीचे वाली पॉलिनोमियल से भी मल्टीपल हो रहा है, फॉर एग्जांपल वो के है, तो डियर स्टूडेंट आप कैंसिलेशन कर सकते हैं, आपको अलाव है, के से के कैंसिल कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, 3x ये एक पॉलिनोमियल है और इधर आपके पास 2y एक अनदर पॉलिनोमियल है, यहाँ स्टूडेंट 5 है, तो 5 को 5 से आप कैंसिल कर सकते हैं, आपको अलाव है, ये एक प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट इसको हम कैंसिलेशन प्रॉपर्टी कह सकते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी कहेंगे, दोबारा सुने कि आपके पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है, उस रैशनल एक्सप्रेशन के नोमीटर में भी एक ही नंबर और डिनोमीटर में भी सेम नंबर है जो कि दोनों से मल्टीपल हो रहा है, तो आप कैंसिल करके जस्ट इस ये एक्सप्रेशन लिखी जा सकती है, इसे आप कहेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ मैं जा रहा हूं। तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास है कि अगर आपके पास दो एक्सप्रेशंस रैशनल ऐड हो रही हो तो देन आप क्या करेंगे, आर ऑफ एक्स ओवर एस ऑफ एक्स, एक रैशनल एक्सप्रेशन ये है, एक रैशनल एक्सप्रेशन ये है, तो स्टूडेंट ये हम एडिशन प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं। तो उसमें वो कहते हैं कि जैसे आप आम फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं कि एलसीएम लेते हैं, तो डियर स्टूडेंट यहाँ भी आप एलसीएम लेंगे, क्यू ऑफ एक्स और एस ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स कैंसिल, तो पी ऑफ एक्स इससे एस ऑफ एक्स से मल्टीपल हो जाएगा, प्लस एस ऑफ एक्स कैंसिल एलसीएम, दोनों का आपके पास क्यू ऑफ एक्स एस ऑफ एक्स आया। अब जब एलसीएम को आपने अंदर रखा और इसे कैंसिलेशन करेंगे तो एस एक्स कैंसिल, क्यू ऑफ एक्स जाकर नोमिनेटर से मल्टीपल होगा, आर ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स। तो डियर स्टूडेंट, आम जो हम कहने का मतलब दो रैशनल फ्रैक्शन की, दो रैशनल एक्सप्रेशन की जो हम यहाँ पे एडिशन करना चाहते हैं, जो आम नंबरों में आम फ्रैक्शन में आप क्या करते हैं, एलसीएम का रूल अप्लाई करते हैं, उसी रूल उसी मेथड के तहत आप इस यहाँ भी वैसे ही करेंगे। तो दैट इज आप बोलेंगे ये प्रॉपर्टी कौन सी है डियर स्टूडेंट, एडिशन प्रॉपर्टी, इसे हम कह सकते हैं ये एडिशन प्रॉपर्टी है। उसके बाद नेक्स्ट इसी तरह सब्ट्रैक्शन, अगर यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा तो डियर स्टूडेंट मैं यहीं लिख देता हूँ, तो फोर्थ प्रॉपर्टी में मैं साथ ही यहाँ बता रहा हूँ, अगर इधर माइनस है तो डियर स्टूडेंट इधर माइनस आ जाएगा, तो सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी भी मैं साथ ही बता देता हूँ, तो आप बोलेंगे ये सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी भी है, सेम वही बिहेव। फोर्थ प्रॉपर्टी के बाद डियर स्टूडेंट्स अब हम चलेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर दो आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन प्रोडक्ट हो रही हो तो देन आप क्या करेंगे, तो सेम वही स्टाइल, नोमिनेटर नोमिनेटर से मल्टीपल हो जाएगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, तो पी ऑफ एक्स इंटू आर ऑफ एक्स, इधर देखिए नोमिनेटर पॉलिनोमियल इस वाली नोमिनेटर पॉलिनोमियल से, यानी ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है ये एक अनदर है, तो नोमिनेटर वाली पॉलिनोमियल दूसरी रैशनल एक्सप्रेशन की नोमिनेटर पॉलिनोमियल से प्रोडक्ट होगी, इसी तरह नीचे वाली डिनोमिनेटर इस इसकी यानी दूसरी पॉलिनोमियल जो नीचे है एज ए डिनोमिनेटर, इसकी डिनोमिनेटर वाली पॉलिनोमियल से आपस में मल्टीपल होगी, तो डियर स्टूडेंट इसे हम बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। इसे आप बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी कि भाई कि आपके पास दो अगर रैशनल एक्सप्रेशन है उनकी आपने प्रोडक्ट करनी है तो आप क्या करेंगे, नोमिनेटर नोमिनेटर से डिनोमिनेटर से और प्रोडक्ट कर देंगे, सिंपल सिंगल एक्सप्रेशन रैशनल आ जाएगी। उसके बाद सिक्स प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट वो किस चीज़ की है कि आपके पास डिवीजन की, क्या डिवीजन, तो डिवीजन स्टूडेंट क्या है सिक्स, बिल्कुल इसी तरह पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है, एक अनदर डिवाइड बाय आर ऑफ एक्स ओवर एस ऑफ एक्स एक अनदर रैशनल एक्सप्रेशन है, आप इन दोनों को डिवाइड करना चाहते हैं तो स्टूडेंट इसका रूल वही है जो आप आमतौर पर
नंबरों में करते हैं देखा जाए तो देखिएगा पी ओ फैक्स ओवर क्यू ओ फैक्स, डिवाइड के लिए आप डिनोमीटर लेते हैं। अब डिनोमीटर में अब आप क्या लिखेंगे, किससे डिवाइड कर रहे हैं, इस रेशनल एक्सप्रेशन से, तो नीचे डियर स्टूडेंट ये आएगी। तो एक चीज़ आप ये देखें, जब ये ऊपर लिखी जाएगी तो ये डिनोमीटर से जब ऊपर आएगी तो रिवर्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रिवर्स प्रोडक्ट फॉर्म में ऊपर आगे क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, एस एक्स ओवर आर ऑफ एक्स हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट दो रेशनल एक्सप्रेशन की यानी डिवीजन कैसी होगी ये मैंने आपको बताया, इस तरह होगी। अब नोमेटर, अब यहाँ पर क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गई, नोमेटर नोमिनेटर से और डिनोमेटर डिनोमेटर से। यहाँ पर दो रैशनल एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट वाला रूल, ये वाला रूल आपका यूज़ हो गया, ये वाला। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स डियर स्टूडेंट मैं यहाँ लिखे देता हूँ सेवन्थ प्रॉपर्टी कि अगर आपके पास डियर स्टूडेंट क्या बोलेंगे, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टीज का नाम लिखेंगे, मैं लिख देता हूँ एडिटिव इनवर्स। किसी रैशनल एक्सप्रेशन का एडिटिव इनवर्स क्या होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप यहाँ लिखेंगे ऑफ टी ऑफ एक्स ओवर आर ऑफ एक्स इज, जैसे दो है डियर स्टूडेंट तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस दो। क्यों, इसको जब इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। तो इसे आप ऐसे लिखें, ये ओरिजिनल है, ये इसका एडिटिव इनवर्स है, आंसर आएगा ज़ीरो। ज़ीरो क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन मैंने आपको कहा था पीछे, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एज ए वो जज का रोल प्ले करती है, वो फैसला करती है कौन असल है कौन उलट है। तो इसलिए एडिटिव इनवर्स, फॉर एग्जांपल एक और आदमी है, वो आपसे, एक और स्टूडेंट है, वो आपसे कहता है दो का इनवर्स माइनस तीन है, तो डियर स्टूडेंट हम नहीं मानेंगे। क्यों, इसको जब इसमें ऐड करेंगे आइडेंटिटी एज ए जज, वो आपका नहीं आया यहाँ नंबर, तो आप बोलेंगे इसमें ये फैसला नहीं कर पा रहा, हमारा अंडर एडिशन आइडेंटिटी ज़ीरो होती है, तो ये फैसला कर रहा है ये असल है ये उलट है। इसी तरह रैशनल एक्सप्रेशन की आप एडिटिव इनवर्स बताना चाहते हैं तो जो रैशनल एक्सप्रेशन है उसके साथ नेगेटिव साइन लगा दें तो दैट इज, आप बोलेंगे वो उसका क्या है, पी ओ फैक्स ओवर आर ओ फैक्स। अगर आपके पास क्या है, एक पी ओ फैक्स ओवर आर ओ फैक्स आपके पास अगर एक रैशनल एक्सप्रेशन है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, जस्ट आप क्या लगा दें, नेगेटिव लगा दें। जैसे मैंने आपको नंबर बताया कि दो था, इसी तरह तीन ले लें, तीन का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस तीन होगा, क्योंकि इसमें जब आप ऐड करेंगे तो आंसर आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एज ए जज स्टूडेंट वो एंट्री एलिमेंट आना चाहिए। लास्ट प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट्स एट्थ प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सेवन के बाद अब मैं एट्थ प्रॉपर्टी आपको बताने जा रहा हूँ। एट्थ प्रॉपर्टी मल्टीपल इनवर्स कैसे होता है, जैसे अंडर मल्टीप्लिकेशन आप बोलते हैं दो का उलट क्या है, तो आप बोलेंगे एक बड़ा दो, दो का इनवर्स क्या है, एक बड़ा दो मल्टीप्लिकेटिव। आप बोलेंगे हमें कैसे पता चला कि ये इसका उलट है, तो डियर स्टूडेंट इस असल को इस उलट से मल्टीपल करें अगर आइडेंटिटी आ जाए तो। अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी क्या होती है, वन, अंडर एडिशन आइडेंटिटी होती है ज़ीरो। जिस तरह इस रैशनल एक्सप्रेशन को इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। इसी तरह आपके पास अंडर मल्टीप्लिकेशन ये नंबर कहता है कि मेरा उलट ये है, इनवर्स ये है, तो इसको इससे मल्टीपल करेंगे आइडेंटिटी आएगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट आप रैशनल एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना चाहते हैं तो मैंने यहाँ लिखने जा रहा हूँ, आप यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ पी ऑफ एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स इज। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट, इसको उलट क्या होगा, इसको ऊपर लिख दें और इसको नीचे लिख दें, नोमेटर डिनोमेटर बना दें और डिनोमेटर नोमेटर बना दें और नोमेटर डिनोमेटर बना दें, क्योंकि जब इसको आप मल्टीपल करेंगे तो डियर स्टूडेंट पी ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्यू ऑफ एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो वन आएगा। तो दैट इज़ आप बता सकते हैं कि ये क्या है, आपके पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है तो ये उसका एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। फॉर एग्जांपल मैं अपने पास एक एग्जांपल देता हूँ, 3x प्लस 2 और 2x माइनस 1, तो डियर स्टूडेंट इसका मल्टीपल इनवर्स क्या होगा, तो रिवर्स होगा, ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर नोमिनेटर होगा और नोमिनेटर डिनोमिनेटर होगा। अब आप बोलेंगे कैसे, तो डियर स्टूडेंट इधर देखिएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो आंसर आएगा वन, तो इसका मतलब ये असल था और ये उस एक्सप्रेशन की क्या है, उलट है, तो ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। डियर स्टूडेंट्स मैंने अभी आपको जितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई इन प्रॉपर्टीज़ में याद रखें, जितनी रैशनल एक्सप्रेशन है, पी ओ फैक्स है, क्यू ओ फैक्स है,
जो भी रैशनल एक्सप्रेशन है ये पी ऑफ एक्स आपके पास पॉलिनोमियल, क्योंकि दो पॉलिनोमियल को डिवाइड करें तो एक रैशनल एक्सप्रेशन आपके पास बनती है। अब वो रैशनल एक्सप्रेशन में जितने डिनोमीटर हैं, पी ऑफ एक्स है, एस ऑफ एक्स है, ये वाली चीज़ है, क्यू ऑफ एक्स है, तो आप यहाँ क्लियर कट लिखेंगे कि ये डिनोमीटर आपके ज़ीरो नहीं हैं। तो आप यहाँ जैसे लिखेंगे क्यू ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एस ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अच्छा, क्योंकि अगर ज़ीरो हो जाएगा पॉलिनोमियल तो दैट इज डियर स्टूडेंट वो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ज़ीरो से डिवीजन अलाउ नहीं। इसी तरह यहाँ पे भी क्यू ऑफ एक्स आप बोलेंगे ज़ीरो नहीं है, इसमें एस ऑफ एक्स आप बोलेंगे ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो है पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे भी डियर स्टूडेंट क्यू ऑफ एक्स और एस ऑफ एक्स आप इनके बारे में बोलेंगे ये ज़ीरो नहीं है। ये जितनी प्रॉपर्टीज़ बताई है इन तमाम रैशनल एक्सप्रेशन में आप कहेंगे कि ये क्या है, सारी की सारी जो डिनोमेटर वाली पॉलिनोमियल नॉन ज़ीरो होंगी। डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए ही इतना ही। उम्मीद है स्टूडेंट आज आपको चैप्टर नंबर 4 की 9th क्लास की में टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन में हमने कितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, 8 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मज़ीद जब हम इसकी वर्कशॉप या एक्सरसाइज करेंगे, आपको इन प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन बताएँगे, तब आपको अच्छे से समझ आई होंगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला बच्चों आपका हमें नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।